प्रदेश के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 400 करोड़ रुपए शुक्रवार को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए सागर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां नगरीय विकास से जुड़े कामों की समीक्षा करने के साथ लोकार्पण भी करेंगे। इससे पहले सोयाबीन की फसल के नुकसान के 1600 करोड़ रुपए 18 दिसंबर को 35,50,000 किसानों के खाते में डाले गए थे। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में अभी तक 17.5 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि जमा कराई जा चुकी है। शिवराज सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों के खातों में 2 किश्तों में 4,000 रुपए डाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार 6,000 रुपए 3 किश्तों में दे रही है।